जा रहे हैं भोपाल शो में, जहांगीर पहुंच चुके हैं, तो बहुत ही मज़ा आने वाला है। इसको तो आ चुका है, इसको एडवांस पेमेंट आ गई है। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं झीलों की नगरी राजा भोज, और ये इधर गंगुतेली है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हमारा शो है और बहुत ही मजा आने वाला है। क्यों शेखर, देखो यहाँ पे खाने पीने का सामान होता है, वहीं रुक जाता है। आप भोपाल के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा इंसान है, घर पे जब भी आता है बहुत इज्जत करता है, उसको बोलता दूध लेके आ, सब्जी लेके आ, बहुत अच्छा लगता है। ये किसकी बात है? गोपाल की। गोपाल की क्या? गोपाल। अच्छा, अरे भोपाल, अरे भोपाल किसको पसंद नहीं है, अरे ये सबकी जान भोपाल, वाह वाह। तो आज हम आए हैं भोपाल गौरव दिवस मनाने, और यहाँ पे सुदेश सर, कृष्णा भाई, श्रेया मैम, मनोज मुंतशिर सर, ये सारे लोग हैं जो परफॉर्म करेंगे अपने अपने जोन का। और हमें खुद इनवाइट किया है शिवराज चौहान सर ने, जो यहाँ के CM हैं। तो चलो फिर मिलते हैं शाम को शो पे। कितने बजे? 7:30 बजे आ जाना। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम। देखो क्या पहनना है, ठीक है? ये देखो कैसी रहेगी? मेरे तरफ से ना है, इसे उतार दीजिए प्लीज, ये स्टेज के लिए नहीं है ऐसी। अच्छा बाकी बताओ, ये आपने स्टेज के लिए निकाला है? हाँ। तो ये चुन चुन के जो स्टेज पे नहीं पहन सकते वो लेके आया आपने? यार ये देख, इधर ये देख, इसको तो कुछ पसंद ही नहीं आता, सारा बैग मैंने खाली कर दिया, तेरे को कुछ पसंद नहीं आया? ये लेके आया है आपने? अरे यार ये क्या है, ये बता, दिखा जरा ये देखो, इसको देखो क्या, इसको देखो ये क्या है, हमारे कपड़े नहीं है, है? अरे तो मैं स्टेज पे थोड़ी ले जा रहा ऐसा। तो अड़ा शेखर साड़ा शेखर कुत्ता। अरे क्या बोलते हैं। तो ठीक है फिर, इसको कोई कपड़ा हमारा पसंद नहीं आया, और शाम को जो उन्होंने पहना फिर हमको अभी ले खरीद के दो। शॉपिंग हो गई है, जैसे शेखर ने कहा था वैसे कर ली, लेकिन पैसे देने की जब बारी आती है तो ये मोबाइल पकड़ लेता है कि पैसे देने ना पड़े। अगर अच्छा लगा तो मेरी चॉइस है, अगर बुरा लगा तो शेखर ने कहा था। वाह वेरी स्मार्ट। तो दोस्तों अभी शो ख़त्म हुआ है, और शो इतना अच्छा हुआ है भोपाल में, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब जो परफॉर्मेंस हुई है ना, मतलब पब्लिक ने समझो कपड़े फाड़ दिए इसके। शेखर ये तो अपना बचा रहा थोड़ा सा, उसने सुना ही नहीं। चाय कैसी लगी? बहुत बढ़िया। शेखर को मसाला चाय पीनी थी, मैंने कैमोमाइल टी ऑर्डर कर दिए, इनको बताया कि रात को अच्छी होती है नींद नहीं आई है जैसे। नहीं हमें तो टेस्ट आना चाहिए, सुबह पिए या शाम को पिए, कि रात को अच्छी होती है। मैंने सोचा था रात को बड़ी टेस्टी होगी, अच्छी का मतलब हम ये मानते हैं। ये हेल्थ को समझते ही नहीं यार, मतलब अच्छी मतलब हेल्दी ना, आप लोग जरा कमेंट करके बताओ कि हेल्थ कितना इम्पोर्टेंट है। अच्छी तो है, लेकिन ये कहता है अरे थोड़ा स्टैंडर्ड बनाओ। ये स्टैंडर्ड मतलब कि चाय होती पत्ती वाली, दूध डाल के जब मजा, ये हमेशा ग्रीन टी लोग, ब्लैक टी लोग। अब मेरे को नहीं बनना पहलवान भाई, मेरे को मजे लेने चाय के। स्टैंडर्ड के चक्कर में, मतलब यानी कि ये देखो मेरे को इतनी मोटी है, कौन इतनी अच्छी अंडर आर्मर की जैकेट है ये। वो तो ठीक है, लेकिन मेरे को गर्मी लग रही है, खुद ऐसे बैठा हुआ है देखो। ये स्टैंडर्ड मुझे नहीं स्टैंडर्ड चाहिए। अरे लेकिन आप सेलिब्रिटी हो ना सर, आपको ऐसा। ये इतना चालबाज मतलब बंदा है यहाँ पे भोपाल में, हम शो कर रहे हैं, ये कितने पहले आ गया,
यहाँ के अपना स्वीट रूम ले लिया बहुत बढ़िया वाला, मैं आया हूँ तो वहाँ पे छोटा सा, मैं कहा ये क्या है खुद इतना बड़ा, कितना स्टैंडर्ड होता है, मैं कहा स्टैंडर्ड मेरा बनाकर था, नहीं लोग कहेंगे इसका मैनेजर का इतना स्टैंडर्ड है सुदेश लहरी का क्या होगा, तो ये बड़ा चलाकी करता है। अब आप सही में सोचोगे एक मैनेजर को स्वीट रूम दिया है तो इनको क्या दिया होगा, है ना, जायज बात है, तो मैंने वही किया। चलो कोई बात नहीं, बहुत मजा आया, इट वॉज फैंटास्टिक शो, बहुत बढ़िया, पब्लिक ने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बस बैक टू मुंबई ना। अब हम मिलेंगे अगले शो में कृष्णा एंड सुदेश, बाय बाय।